जीवन में कौन से सने कपड़े के बारे में बताना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 22 चैप्टर 13 वर्स। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामघराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लाइए, इस स्त्री से मैं ने विवाह किया और जब उसे संगति की तब उसमें कुवारी अवस्या के लक्षण ना पाए तो उस कन्या के माता पिता उसके कुवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाए और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी हम पुरुष को ब्याह दी और वह उसको अप्रिय लगती है और वह तो वह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगता है कि मैंने तेरी बेटी में कुवारीपन के लक्षण नहीं पाए परंतु मेरी बेटी के कुवारीपन के चिन्ह ते है। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चहर को पौलाए, तब नगर के पुरानिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शिकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने ये इसराइली कन्या की नामघराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने ना पाए परंतु यदि उस कन्या के कुवारियन के चिन्ह पाए ना जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डाले। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है, यों तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। अगर पति शादी की पहली रात के बाद पत्नी की बदनामी करता था, उस पर झूठा आरोप लगाता है तो उसे सजा भगतनी होगी। पतियों का स्वभाव शंकालु होता है और वे अपनी पत्नियों पर संदेह करते हैं। पति अपने पतियों की हत्या कर सकते हैं, उन पर अत्याचार कर सकते हैं था उन्हें परेशान कर सकते हैं। पति अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में उसके माता पिता दोस्तों तथा पड़ोसियों को प्रचारित कर सकता है। सभी चीजों से बचने के लिए भगवान ने इस कुंवारी परीक्षा के माध्यम से निर्दोष पतियों को बचाने की आज्ञा दी। सगाई को दौरान लड़की की पिता के दुल्हन की कीमत प्राप्त हुई ताकि पति शहर के बुजागों से संपर्क कर सके। लड़की के पिता को कौमारी का कपड़ा शहर के द्वार पर लाना होगा। यह शादी से पहले आखिरी मासिक धर्म का कपड़ा और शादी की रात का खून ने सना हुआ कपड़ा है। इससे उसकी कौमार्यता सिद्ध हो गई। यह मसीहा के जन्म से 3500 साल पहले की विवाह प्रणाली है। अब विज्ञान में सुधार हुआ है, डीएनए परीक्षण उपलब्ध है, लेकिन मसीहा ने इस परंपरा को रह कर दिया। ईसाई धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं। तलमाडिक स्त्रोत सभी कुवारी हाइमन से पहली बार रक्तस्राव नहीं होता है। शौडल का सुझाव है महिलाओं की सुरक्षा करना। अल्बर्ट बॉन्स कहते हैं, महिलाओं का काम अनुमान और स्थिति। यह प्रथा मिस्र और सीरिया में बेडोम्स और मुसलमानों के बीच दर्ज की गई है। आर्मेनिया लांस से समारोह, जॉर्जिया, अजरबैजान समुदाय बुजुर्ग महिला एक सेलिब्रिटी उत्सव में मेहमानों को डिनर के लिए पेश करती है। टांगा दुल्हन ने अपने परिवार को खून से सनी चादरों दिखाई। हवाई पैसिफिक द्वीप किरीबाती राष्ट्र सफेद कपड़ा निरीक्षण और प्रदर्शन के लिए दौरा। ग्रीस भी रक्त वस्त्र समारोह, मैसेडोनिया भी। भारत में चारा दुल्हानी, अहमदाबाद में सफेद कपड़े की रस्म, पुणे महाराष्ट्र आधुनिक शहर,
कोल्हापुर नासिक में कंचन भाट जनजाति, राजस्थान और गुजरात में शमसी जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए जाति पंचायत कमरे के बाहर इंतजार करेगी। अगर कपड़े पर खून के गब्बे नहीं तो तलाक दे देंगे और दुल्हन को बुरी तरह पीटेंगे। उसकी बहनों से कोई शादी नहीं करता। शादी के बाद दुल्हनों को पाइड लॉक पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। यह स्टील लॉक चांदी और सोने की धातुओं से बना है। यह खुजली संक्रमण और रक्त प्रवाह का कारण बनता है। ठीक से चल नहीं पाती, बैठती और सोती भी नहीं। लाला लगा है, छवि पति के पास है। राजस्थान में यह अब भी आम बात है। राजस्थान में चौस्टिटी बेल्ट बांधने वाली फैक्ट्रिया, अगर पति के आरोप गलत साबित हुए तो उसे कड़ी सजा भुगतनी होगी। उसे दुल्हन के पिता को 100 शेकेल देना चाहिए। उसे 40 शून्य से 1 कोड़े का सामना करना पड़ेगा। यदि यह साबित हो जाए तो वे दुल्हन को उसके पिता के घर के द्वारा पर पत्यर्वाह करेंगे। दुल्हन के लिए मौत की सजा है। उस समय कौमारी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मसीहा ने इस परंपरा को रह कर दिया। उसके नगर और सारे गांव के लिए इसराइल में उस पर पत्रवाह करेगा। कौमार्य परीक्षण भारत में विशेष रूप से ग्रामीण भारत में व्यापक रूप से फैले हुए प्रयास है। इसे 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन यह अभी भी भारत में प्रचलन में है। धन्यवाद।